रहा हूँ सिविल लाइन के अंदर, जहाँ पे भाई बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। पता नहीं ये लोग क्या खाने के लिए आए हुए हैं। खाना है वो यहाँ पे कचौड़ी। कचौड़ी ऐसा क्या मिल रहा है भाई साहब? कचौड़ी में स्वाद मिल रहा है यहाँ पे, स्वाद मिल रहा है। कचौड़ी तो भाई सब जगह मिल रही है, यहाँ की फेमस है। तो भाई ये देख लो, ये है यहाँ की कचौड़ी, और अभी कचौड़ी की तैयारी चल रही है। और भाई ये भीड़ जो लगी है ना भाई, मेरे को लग रहा है बहुत दूर दूर से। भाई आप कहाँ से आ रहे हो खाने? आजाद मार्केट। कहाँ से? आजाद मार्केट से। यहाँ पे सिविल लाइन में कचौड़ी खाने? पूरे मटर लिए आ रहा है भर भर के, यहाँ पे पूरा पतीला भर दिया मटर से। आप क्या खाने आ रहे हो यहाँ पे? ये कचौड़ी बना रहे तो यही खा लेंगे भैया। अरे भाई चेहरा तो दिखा दो, अपना मुंह दिखाई कर दो थोड़ी सी। पापा लाए हो? और ये देखो जी, ये आ रहे हैं अपने मसाले। ये कौन सा मसाला है भैया? ये गरम मसाला होता है। अच्छा, और ये आ गया भाई साहब नमक। तो जैसे आलू की सब्जी क्या कचौड़ी मिलती है, उसमें और का फर्क लग रहा है? इसमें जो ना चटनी डाल रखी है ना, ये काम डाल रही है, ये काम डाल रही है। 30 रुपए देते हैं मैंने सुना, कचौड़ी 40 रुपए की है, तो वर्थ लगती है? 30 रुपए मुकाबले ज्यादा वर्थ थी कहीं कहीं जगह ना, पैसा नहीं देखा जाता। अरे देखा जाता है। ये खट्टी चटनी, ये खट्टी हरी वाली? हाँ, किस चीज़ की बनाते हैं ये? अमचूर की होती है। अच्छा, और मीठी चटनी भी? नहीं नहीं, मीठी तो गुड़ की होती है वो। अच्छा अच्छा, यूनिक टेस्ट है। अच्छा अलग टेस्ट है, मतलब कोई भाई आ रहा दूर से खाने के लिए तो वर्थ रहेगा उसके लिए? वन टाइम अच्छा है। उनके फादर ने ही शुरू किया था यहाँ पे खड़े होकर, उनकी साइकिल खड़ी होती थी। अच्छा, उनकी मूछें होती थी नंदूलाल भाई। अच्छा, और हमारे स्कूल संजयवे से हम पढ़े हुए हैं, इसी स्कूल के बच्चे हैं जो खागा के आज बड़े बड़े IAS ऑफिसर, गवर्नर और मिनिस्टर्स बने हैं। तो भैया ये बताओ, ये कचौड़ी ये मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मटर पे मट्टी लगाने का? भैया ये मेरे नाना ने स्टार्ट किया था। अच्छा, आज से 60-70 साल पहले। 60-70 साल पहले ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब अपनी दुकान को 60-70 साल हो गए लगभग। हाँ जी। और ये कचौड़ी का क्या सीन है, मतलब ये तो मट्टी जैसी लगती है मेरे को तो? भैया ये होती कचौड़ी है, इसको फुलाते नहीं है। अच्छा, इसको फुला देंगे तो मटर नहीं लगेगा। और ये देखो भाई, पूरी कचौड़ियाँ सजने के बाद भाई मसाला डालने के बाद ऊपर से यहाँ पे डाली ये चटनी, ये भी अपनी मीठी वाली चटनी? जी भैया, गुड़ वाली। गुड़ वाली बहुत बढ़िया। और ये देखो भाई क्या क्या होने वाला कचौड़ी के अंदर। आ रहा है यहाँ पे धनिया भाई, फुल भर भर के धनिया आ रहा है यहाँ पे। और ये आगे जी प्याज, और पूरी की पूरी भाई टेबल को बगीचा सा बना दिया है। सारे कलर डाल दिए यहाँ पे, प्याज डाल दिए, धनिया डाल दिया, मटर डाल दी, और दरख के लच्छे भी आ गए ऊपर से। कचौड़ियाँ हो चुकी यहाँ पे तैयार। और ये देखना, कचौड़ियाँ सिर्फ बनी और बटनी हो गई स्टार्ट। तो भाजी ने तो अपने आप ही उड़ा ली। भाजी क्या लेके जा रहे हो? एक प्लेट कचौरी और एक कुलचा रोल। अच्छा, दोनों खाओगे? दोनों खाएंगे। कैसे लगते हैं ये तो बता रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से आप एक बाइट लेते हैं। जितना कम आग रहा था ना उतनी बढ़िया है। बेसक है, मट्टी मान लो, कचौड़ी मान लो, लेकिन उसके ऊपर जो फ्लेवर्स डले हुए हैं भाई, मुँह में जाते घुल जाएंगे और इतना मजा आएगा आपको। हल्का फुल्का चटनी है, खटास और मिठास दोनों आएगी, और क्रंची एकदम कचौड़ी हो रखी है, और बहुत ही बढ़िया स्वाद में। अगर आपको ही खानी है तो आप भी आ सकते हैं सिविल लाइन में फतेह चंद जी कचौड़ी वाले। और एक बारी भीड़ देख लो, ऐसा लग रहा है लाइने लगा के लोग खड़े हुए हैं। ये टाइमिंग है सुबह 10:30 से 4:30 बजे सिविल लाइन में सेंट जेवियर स्कूल के पास। भाई उम्मीद करूंगा ये कचौड़ी और हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने उस दोस्त के जरूर से टैग करें जिसने भाई अभी तक दिल्ली में रहते हुए फतेह चंद जी की कचौड़ी का स्वाद नहीं लिया है।